हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल विशाल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में इन बजट में। सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इस लिस्ट में 5000 से लेके 8500 तक मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होंगे। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। इसमें सबसे पहले नंबर पर है इसमें इन्फिनिक्स का स्मार्ट 2, जिसके हाईलाइट्स आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे फ़ोन है। 5000 की बजट रेंज में इतने अच्छे फ़ोन आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, लिख के दे सकता हूँ आपको। ये आप फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है इसलिए इतनी कम दाम में मिल रहा है, वरना ये मिलता नहीं बेसिकली। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। हमारे है रियलमी C2, जिसकी प्राइस है 5999। इसका मतलब 6000। मैं 2GB रैम के वेरियंट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छे है। 3GB रैम के जो वो कीमत जो है थोड़ा ज़्यादा है। आप 2GB रैम के रैम में जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इस बजट रेंज में रेडमी का 5A है, वो इतना अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं कंपेयर करके रेडमी का 5A। और अभी रियलमी C2 का हाईलाइट्स जो है स्क्रीन में आपको शो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे जो है फ़ोन है। 2GB रैम है, 16GB रोम है, 13MP प्लस 2MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा, 4000mAh की बैटरी है, जो इस रेंज में सब किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा आपको 4000mAh की बैटरी। ठीक है, चलते हैं हमारे तीसरे नंबर पे है हमारा सबका प्यारा रेडमी सिक्स, जिसका कीमत है 7000 रुपये। बहुत ही अच्छी फ़ोन है, इसके हाईलाइट्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 3GB का रैम है, 64GB का रोम है, HD+ डिस्प्ले है, 5.5 इंची का डिस्प्ले है, 3000mAh का बैटरी है। और इसमें जो खास बात है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिलेगा, यही इसकी जो है खासियत है, सबसे अच्छी बात है। 7000 रुपये के प्राइस रेंज में ये फ़ोन जो है सबसे बेस्ट फ़ोन है, आपको ये ऑफर के बिना भी आपको मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट में। ठीक है, 7000 रुपये में। नंबर जो है हमारा नया लॉन्च हुआ रियलमी का 3i, 8000 के बजट रेंज में। बहुत ही अच्छी फ़ोन है वो, आप हाईलाइट्स देख सकते हैं फ़ोन के स्क्रीन में। 3GB का रैम है, 64GB का रोम है, HD+ डिस्प्ले है, 6.22 इंच का डिस्प्ले, 13MP प्लस 2MP रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 13MP का है, 4230mAh का बैटरी है, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों ही है अवेलेबल। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप जा सकते हैं इस फ़ोन के लिए 8000 के बजट रेंज में। बहुत ही अच्छे फ़ोन है। आप जो आखिर में जिस फ़ोन के बारे में बात करेंगे हम, वो इस बजट में सबसे धमाका फ़ोन है, जो आपको कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी। बहुत ही अच्छी फ़ोन है, ज़रूर देखना पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए तो फिर आखिरी नंबर पे चलते हैं। आखिरी फ़ोन है फिफ्थ और आखिरी फ़ोन, यह है Asus का जेनफोन मैक्स प्रो M1, जिसका कीमत बहुत, मैं 4GB रैम के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका कीमत है लगभग 8500 रुपये। 8500 डिस्काउंट दिया है फ्लिपकार्ट में, सेल चल रहा है इसलिए बहुत ही कम है इसका प्राइस। आप हाईलाइट्स देख सकते हैं फ़ोन की स्क्रीन में। 4GB का रैम है, 64GB का रोम है, 5.99 इंच का HD+ डिस्प्ले है, 13MP प्लस 5MP रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा है, 5000mAh का बैटरी है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का जो है प्रोसेसर है। बहुत ही अच्छे फ़ोन है, इस बजट से इनमें इतनी अच्छी फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। 8500 के लिए मैं यही फ़ोन आपको रिकमेंड करूँगा। बहुत ही अच्छी फ़ोन है, मेरे पास भी ये फ़ोन है, बहुत ही अच्छी जो है फ़ोन है।